राइफल विमान मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने के लिए जुट गई है और राइफल मामले में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस के द्वारा करोड़ों रुपए के विमान की खरीद फरोख्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो जांच करवाने की मांग की जा रही है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार पर राइफल मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा तो जल्द इस मामले पर सरकार द्वारा जांच करवाने की मांग की। राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राइफल विमान का रेट में भी घोटाला हुआ है जिसके चलते ही कांग्रेस जेपीसी का गठन करने के अलावा कैंक से जांच करवाने की मांग कर रही है लेकिन फिर भी जांच केंद्र सरकार नहीं करवा रही है। धर्माणी ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा घोटाले में शामिल आरोपी विजय माल्या और नीरव मोदी पर कार्यवाही नहीं की गई है और सरकारी संरक्षण के चलते ही देश छोड़कर भागे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बीजेपी को घेरने के लिए ठोस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शक्ति ऐप के माध्यम से नए वोटरों को कांग्रेस की नीतियों को बताने के साथ साथ चुनावों के लिए तैयारी की जाएगी। धर्माणी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में भी झूठे वायदे बीजेपी ने किए थे और आज महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है जिससे जनता त्रस्त हो गई है और उसमें ये कहा है कि खास करके जो नए वोटर हैं उनको उस कार्यक्रम के जरिए जो है वो जोड़ा जाए ताकि नेतृत्व की बात उन कार्यकर्ताओं तक जो है वो मैसेज भेज के जो है पहुंचाई जा सके और कार्यकर्ताओं की बात भी जो है वो नेतृत्व तक जो है वो पहुंच सके तो एक बड़ा नेटवर्क जो है तैयार किया जा रहा है। दूसरा, हमारे जो कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर कम से कम 11 कार्यकर्ता जो है इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे जिनको हम कांग्रेस सहयोगी के नाम से जो है वहाँ वो प्रचार करेंगे, हर घर तक जाएंगे और जो हमारी पार्टी की मुख्य उपलब्धियां रही हैं, जो हमारी वैचारिक जो मुख्य हमारी ताकत है उसको भी लोगों को उसके बारे में जो है बताया जाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों के समय में जो जो झूठे वायदे लोगों के साथ किए थे और अब जो उनकी जन विरोधी नीतियां हैं, जब महंगाई पहले से लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई, भ्रष्टाचार हर जगह भ्रष्टाचार फैला है, आज दिन तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं और कई तरह का जो है वो लोगों के बीच में रोष है और कई ऐसे फैसले इन्होंने लिया जिसमें बिना सोचे समझे जो है वो आम आदमी के ऊपर जो है उनका जीवन जीना मुश्किल कर दिया है। गठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, बूथ स्तर के ऊपर जो है मजबूत करने के लिए ये पार्टी की तरफ से अभियान शुरू किया गया है और ये गांधी जयंती से शुरू होगा और इंदिरा गांधी की जयंती पे समाप्त होगा और हर साल ये ऐसा अभियान वैसे जनवरी महीने में शुरू होगा लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव हैं तो चुनावों से पहले इसको शुरू किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे संगठन चुस्त दुरुस्त होगा और संगठन जब हमारा मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला कर पाएंगे, इनके जुमलों का जो है मुकाबला कर पाएंगे और इनको जो है कड़ी जो है वो हार का सामना 2019 में करना पड़ेगा, ऐसा हम भूमिका जो है पार्टी संगठन की तरफ से बना रहे हैं। हमारी पार्टी ने और अन्य विपक्षी पार्टियों ने संसद के अंदर ये डिमांड करी कि जेपीसी का गठन करके जो है इस पूरी डील का जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, उसकी जांच कराई जाए लेकिन उसके बावजूद भी जेपीसी का गठन नहीं हुआ। क्या प्रधानमंत्री जी को जो चुने हुए सांसद हैं उसमें उनकी पार्टी के भी सांसद उसमें जेपीसी में होने थे और विपक्षी पार्टियों के भी होने थे, क्या उनको सांसदों के ऊपर भरोसा नहीं है जो वो जेपीसी का गठन नहीं किया उन्होंने? और उसी तरीके से हमारे पार्टी के नेता चीफ विजिलेंस कमीशन से मिले, कैग में जाके उन्होंने रिप्रेजेंट किया और अन्य एजेंसियों से भी जो है अनुरोध किया कि इसकी जांच कराई जाए लेकिन कोई जांच नहीं कराई जा रही है। मोदी जी का एक मंत्र है कि कोई भी घोटाला हो जाए, चाहे व्यापम घोटाला है, चाहे यहाँ पे विजय माल्या जैसे भगौड़े जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए डकार के और ये बोलते थे कि हमारी नॉलेज के बगैर भाग गया, जबकि उन्होंने अब कहा कि मैं वित्त मंत्री से मिलके गया और सीबीआई का जो नोटिस उनको अरेस्ट करने का था वो मोदी जी के कहने पे ही जो है सीबीआई के एक सीनियर अधिकारी ने जो है उसको डाइल्यूट कर दिया और उसको ये कहा कि इसको इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है और वो देश छोड़ के भाग गया। उसी तरीके से चाहे नीरव मोदी है, चाहे मेहुल चौकसी है, चाहे अन्य जो भगौड़े हैं और ज्यादातर का संबंध गुजरात से है, वो सभी के सभी भागे, ये सरकारी संरक्षण की वजह से ही भागे हैं।
हम ये चाहते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बन सके और इस डील को जो है रद्द करके जो भी इसमें गड़बड़ हुई है उसकी जांच करके दोषियों को इसकी सजा दी जाए।